दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में, जिसमें हम देखने वाले पीएचडी वर्सेस एमफिल के बारे में फुल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। इसमें एलिजिबिलिटी क्या होती है, स्कोप कैसा रहता है, फीस कितनी होती है, और ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि उसके बाद में सैलरी भी बताने वाला हूँ लास्ट में कि कितनी मिलती है पीएचडी और एमफिल के बाद। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आसान हिंदी में लाता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं ओवरव्यू से। पीएचडी का मतलब है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, तो ये हाईएस्ट डिग्री होती है। मतलब इसके बाद आपको जो डॉक्टरेट अवार्ड मिलता है किसी भी रिसर्च या पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अगर आप काम करते हो तो। इसका जो ड्यूरेशन होता है 3 साल से लेकर 5 साल तक का हो सकता है, आपके रिसर्च पे डिपेंड करता है। ये होती है पीएचडी। उसके बाद जो एमफिल होता है, तो हम कहते हैं मास्टर ऑफ फिलोसफी, 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स होता है। और यहाँ पे जो है किसी को अगर नेशनल हेल्थ सर्विस में या सिविल सर्विस में, एडवर्टाइजिंग में, मार्केटिंग में या पब्लिक रिलेशंस में काम करना है तो एमफिल करता है, उन्हें वो करना चाहिए एमफिल। ये होता है ओवरव्यू। उसके बाद जो एलिजिबिलिटी होती है, देखिए पीएचडी के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए या एमफिल की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप पीएचडी के लिए जा सकते हो। प्लस आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। ये यूनिवर्सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है एंट्रेंस एग्जाम, और ये एक सेंट्रल की तरफ से होती है एंट्रेंस एग्जाम, तो वो आपको देनी पड़ती है। बट 2023 से क्या एक नया नियम आया हुआ है कि अगर आप बीटेक या कोई भी 4 साल की डिग्री करते हो, मतलब अगर आपने जो डिग्री ली है वो 4 साल की डिग्री है, तो आप भी पीएचडी कर सकते हो। पहले क्या था कि आपको जो मास्टर डिग्री करनी पड़ती थी तभी जो है आपको पीएचडी के लिए जाना पड़ता था। बट अभी क्या है कि आप मास्टर नहीं करोगे, अगर आपने बीटेक किया 4 साल का, तो वो भी आप पीएचडी कर सकते हो। और जो एमफिल की होती थी, इसके लिए जो है आपको मास्टर डिग्री करनी पड़ती है साइंस में, आर्ट्स में या इंजीनियरिंग, किसी में भी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एमफिल कर सकते हो, वहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो फीस होती है, तो देखिए पीएचडी की फीस जो है लगभग 25,000 से लेके 2.5 लाख तक पर ईयर के लिए जाती है फीस। और जो एमफिल होता है, तो इसकी जो फीस होती है 30,000 से लेके 95,000 तक जाती है पर ईयर के लिए। और जो स्कोप होता है, तो देखिए आफ्टर पीएचडी स्टूडेंट कैन चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ पीएचडी जॉब्स। इसके बाद जो है आपको पीएचडी के बाद बहुत सारे जॉब्स मिलते हैं, जिसमें हम मार्केट रिसर्च एनालिटिक्स, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, स्टार्टअप मेंटर्स, ऑथर्स, इस पोस्ट में आप काम कर सकते हो। बहुत ज़्यादा आपको ऑप्शन मिल जाते हैं पीएचडी के बाद। एमफिल के बाद जो है आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर, नॉवेलिस्ट, नॉन फिक्शन राइटर, पोएट, टेक्निकल राइटर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आप इस तरह के बहुत सारे पोस्ट पे आप काम कर सकते हो एमफिल के बाद। और सैलरी की बात करें, तो देखिए पीएचडी के बाद जो है आपको 6 लाख से लेके 14 लाख तक का पैकेज आसानी से मिल जाएगा, मतलब 6 लाख से लेके 14 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए। और जो एमफिल होता है, तो उसके बाद जो है आपके पास 3 लाख से लेके 9 लाख तक का पैकेज आसानी से मिल जाता है पर ईयर के लिए। और इसके रिलेटेड, पीएचडी या एमफिल के रिलेटेड कोई भी सवाल या डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं वहाँ पे जो है कमेंट बॉक्स में आपको आंसर दे दूंगा।